हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीतास कुकिंग रेसिपी। आज हम चमचम बनाने जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि त्योहारों का मौसम आ रहा है, तीज आ रही है, रक्षाबंधन आ रहा है, तो ये मैंने चमचम बनाने के लिए 1 लीटर दूध लिया है। ये 1 कप अपना मिल्क पाउडर है जिसे हम अपनी मावा बनाएंगे, और ये 2 कप चीनी है चाशनी के लिए, और ये पानी है, और वेनेगर लिया है मैंने, इससे हम अपना छेना बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ये मैंने गैस पे दूध गर्म होने रख दिया है, जब इसमें उबाल आएगा तब हम इसका फिर छेना बनाएंगे। ये देखिए दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ और 5 मिनट इसको एज इट इज छोड़ देंगे, उसके बाद इसको हम इसका पनीर निकालेंगे। ये देखिए मैंने दूध को गैस से नीचे उतार लिया है। अब हम एक कटोरी में ये 2 टेबलस्पून सिरका ले रहे हैं और इसमें 2 टेबलस्पून ही पानी मिला रहे हैं। और अब इसमें दूध में अपने डालते जाएंगे धीरे धीरे। अगर आपके पास सिरका नहीं हो तो आप नींबू का रस निकाल के वो डाल दीजिएगा, और हिलाते जाएंगे और सिरका मिलाते जाएंगे इसमें, जब तक कि दूध हमारा फटने नहीं लगे तब तक धीरे धीरे हम इसमें अगर आप गैस पे रख के ही नीचे गैस जल रही है और मिला लेंगे ना तो पनीर अपना हार्ड बनता है, और अगर गैस से उतार के हम सिरका मिलाते हैं, ये देखिए अपना छेना निकलने लगा है। धीरे धीरे हिलाते रहेंगे जब तक कि पानी ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता है। इस तरह से अपने धीरे धीरे हिलाते रहेंगे और अपना पनीर निकल आएगा। ये देखिए एकदम पानी ट्रांसपेरेंट हो गया और अपना छेना अलग हो गया है। अपना छेना अच्छे से निकल आया है। अब मैंने एक बोल पे कढ़ाई रखी है, इस पे हमें सूती कपड़ा रख देंगे, कोई भी मसलन क्लॉथ ले लीजिए, और इस अपने छेने को इसमें छान लेंगे। अपना सब छेना ऊपर रह गया, पानी नीचे चला गया है। प्रेशर से दबा देंगे जिससे कि इसमें जो वेनेगर है वो निकल जाए। अब ठंडा पानी लेंगे और इसको 1-2 बार ऐसे करके धो लेंगे जिससे कि इसकी खटास सारी निकल जाए जो हमने सिरका डाला है उसकी। एक बार और पनीर को धो लेंगे। प्रेस कर देंगे थोड़ा सा। अब अपने इस तरह से इसको हाथ से दबा दबा के भी इसका सारा पानी निकाल देंगे। आप चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए इस तरह से लटका सकते हैं तो सारा एक्सेस पानी है वो सब निकल जाएगा। तो हम 10 मिनट के लिए इसको इस तरह से ही छोड़ देंगे जिससे इसका सारा पानी निकल जाए। अब जब तक हमारा पनीर ठंडा हो रहा है तब तक हम अपने चमचम की स्टफिंग के लिए मावा बना लेते हैं। तो ये मैंने 1 टेबलस्पून घी लिया है, मेल्ट हो गया है, तो इसमें मैं 1 कप दूध डाल दूंगी। ये धीरे धीरे डालते जाएंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको लगता हो कि आपके लम्स पड़ जाते हैं तो आप गैस को बिना जलाए पहले मिल्क पाउडर डाल के अच्छे से मिला लीजिए और फिर गैस को ऑन कीजिए। ये देखिए अपना दूध एकदम गाढ़ा हो गया है, मावा निकल आया है। अब इस टाइम इसमें 2 टीस्पून चीनी डाल दूंगा।
ये मावा देखिए तैयार हो गया है, मैं गैस को बंद कर रही हूँ। ये मैंने मावे को प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख दिया है, और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम अपने चमचम का छेना तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमने कपड़े से छेने को निकाल लिया है, इसको अब हम अच्छे से तोड़ लेंगे। अब हमें इसको अपने पाम से तब तक मसना है जब तक कि ये एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाता है, और इसमें हम 1 टीस्पून मैदा मिलाएंगे और 1/4 टीस्पून ये बेकिंग पाउडर है, बस 1/4 टीस्पून ये डाल देंगे। और अब इसको सब चीज़ों को अच्छे से हम एकदम सॉफ्ट होने तक इसको 10-15 मिनट तक इस तरह से हथेली से इसको मलते रहेंगे। ये देखिए अपना पनीर एकदम चिकना हो गया है, ये पहचान होती है। देखिए हाथ में ऐसा घी सा आ जाता है और पनीर एकदम सॉफ्ट सा और चिकना हो जाता है। आपको महसूस होगा कि ये पनीर अपना बहुत ही हल्का हो गया है। अब हम इसके छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेते हैं, जैसे हम चमचम लंबा सा होता है इस टाइप से। ये देखिए इस तरह से हम अपने चमचम को बना लेते हैं, सारे ऐसे ही बना लेते हैं। ये देखिए सारे चमचम बना के रख लिए हैं, अब हम इसके लिए चाशनी बनाते हैं। ये मैंने 1.5 कटोरी चीनी ली है, अब इसमें 3 कटोरी हम पानी डालेंगे। अब जब तक चीनी घुलनी जाती है तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। कि चीनी घुल गई है अपनी अच्छे से, अब इसमें मैं 2 साबुत इलायची ऐसे ही तोड़ के डाल दूंगी। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। इसको हम ढक देंगे जिससे इसमें पानी में खूब अच्छा सा उबाल आ जाए। ये देखिए अपने पानी में अच्छे से उबाल आ गया है, अब हम अपने सारे चमचम को इसमें डाल देते हैं। और अब इसको वापस ढक देंगे, और 8 घंटा लगता है हम इसको, और हम गैस को अब थोड़ी स्लो कर देंगे। अभी तो फुल थी, बहुत स्लो नहीं करनी है हमें गैस को, बिल्कुल मीडियम ही रखना है। और इसको अच्छे से 8 घंटे तक इसी चीनी के पानी में अपने चमचम को पकने देंगे। ये देखिए 8 घंटा हो गया है, और हम अपने ये देखिए कितने अच्छे हमारे चमचम तैयार हो गए हैं, बिल्कुल अंदर तक इनमें चाशनी चली गई है। ये देखिए ट्रांसपेरेंट से हो गए हैं। अब हम एक बोल लेंगे और उसमें ये 3-4 क्यूब्स बर्फ की डाल लेंगे, और अपने जो ये चमचम है इसको ठंडे पानी में हम निकालेंगे। ये हम इसलिए करते हैं कि हमारे जो चमचम की शेप है वो ख़राब नहीं हो और एज इट इज़ रहे, नहीं तो कई बार क्या होता है ये वापस से सिकुड़ जाते हैं, तो ठंडे पानी में डालने से ये सिकुड़ते नहीं हैं। और अब इसको हम निकाल लेंगे, बस 2 मिनट के लिए डालते हैं और फिर
इसको हम निकाल लेंगे अपने सब चमचम को। ये देखिए हमने अपने सारे चमचम निकाल लिए हैं। अब हमने जो ये मावा बनाया था इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और इसको भी थोड़ा सा मैश कर लेंगे हाथ। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पोर्शन अलग कर लिया है और इस पोर्शन में अब हम फूड कलर मिलाएंगे। इसमें मैं ये दो ड्रॉप्स ऑरेंज कलर डाल रही हूँ केसरिया, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए अपना कलर अच्छे से मिल गया है। अब ये जो हमने थोड़ा सा मावा अलग किया था इसमें हम थोड़ा सा पिंक कलर डाल देंगे। ये सब चीज़ें ऑप्शनल हैं, मैं थोड़े से इससे सुंदर लगता है, डेकोरेशन अच्छा आता है इसलिए मिला रही हूँ। ये देखिए मैंने दोनों कलर आपस में अच्छे से मिला लिए हैं। अब अपने चमचम को लेंगे और चाकू से इसको धीरे से बीच में कट करेंगे। ये देखिए इस टाइप से थोड़ा सा इतनी फिलिंग खुल जाए कि हम अपना इसमें मावा रख सकें। अब हम ये अपना ये ऑरेंज मावा लेंगे, इसको थोड़ा हाथ से ऐसे लंबा कर लेंगे और ऐसे चमचम में इसकी फिलिंग कर देंगे मावे की। इस तरह से अपनी फिलिंग हो गई। इस तरह से हम सारे अपने चमचम्स को काट के भर लेते हैं मावे से, बिल्कुल उसके दो पीस नहीं कर दे। ये देखिए 3/4 तक खोल लिया। अब अपना मावा लिया, इसको थोड़ा सा लंबा किया और इसके बीच में ऐसे फिल कर दिया। ये देखिए कितने इजीली हो रहे हैं। ये देखिए इस तरह से अपने सारे चमचम तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने सारे अपने चमचम मावा भर के तैयार कर लिए हैं। अब ये जो हमने पिंक मावा लिया था इसको छोटी छोटी गोली बना के इसके ऊपर ऐसे सेट कर देंगे। ये देखिए अब इस तरह से हम सबको डेकोरेट कर लेते हैं। लग रही है ना बाजार से भी ज्यादा अच्छी चमचम। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है और आपको आगे भी मेरी इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपी देखना पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।